केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन से इस समय काशी भी बुरी तरह से मर्माहित है। पीएम नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर चुके हैं ये। 28 मार्च 2015 को उन्होंने 80 घाट पर जल थल सौ वाहिनी का लोकार्पण किया था, ताकि दूर दराज से मोक्ष की कामना से आने वाले लोगों को कोई दुश्वारी न झेलनी पड़े। इस मौके पर मुरारी बाबू भी मौजूद थे। मोक्ष नगरी काशी में दूर दराज से लोग सौ दाह के लिए आते हैं, मगर उनके आने जाने के रास्तों को जटिलता को देखते हुए गंगा में जल सौ वाहिनी की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र बनारस में लघु उद्योगों को संजीवनी देने के साथ ही बुनकरों और हथकरघा उद्योगों की बेहतरी के लिए योजनाओं को अमली जाम पहनाने में ये सक्रिय रहे। वह चुनाव के मौके पर खराब स्वास्थ्य के बाद भी आए और पीएम के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी से विरोधियों पर उन्होंने सीधा निशाना भी साधा। मार्च 2017 में इन्होंने वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नोटबंदी की प्रासंगिकता भी बताई और प्रदेश के राजनीतिक दलों को कटघरे में ला खड़ा किया। वाराणसी से सांसद और पीएम नरेंद्र मोदी सरकार में प्रमुख पद पर रहे अरुण जेटली 10 मई 2014 को नदेसर स्थित दैनिक जागरण कार्यालय भी आए थे और चुनावी मुहिम के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी गंभीर मंथन किया था। बनारस जब भी ये आए तो इन्होंने बनारसी लस्सी का स्वाद लेना नहीं भूला। कई मौके पर बनारसी लस्सी की उन्होंने तारीफ भी की थी।